स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन टाइम आउट को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब उसे अपने हिसाब से कैसे उसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। स्क्रीन टाइम आउट क्या होता है इसको भी बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा और ये देखिए स्क्रीन टाइम आउट, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो आप यहाँ से कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है जैसे कि 15 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो उस सेटिंग को यूज़ करने के लिए होता है। तो मैं 10 मिनट का कर लेता हूँ, मेरा ये 10 मिनट का हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।